और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता, यही बोलता ना, बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते, यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए इसको, और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही सूट कर देने चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूँ, बाकी मैं मरूँ क्या, मैं इनको मार दूँ क्या करूँ, बताओ आप। जानकारी यही है कि हमारा जो लड़का है भरत, ऑटो चलाता है, इसको कल ले गए थे और घटना हुई थी, ये तो हमको पहले ही मालूम पड़ चुकी थी, समाचार सुनता हूँ मैं तो, समाचार में मैंने सुना था, मैंने कहा अरे किसी बच्ची के साथ में गलत हुआ है, ये ऐसा होना नहीं था, मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो गया माकल की नगरी में, ऐसा करी थी मैंने, उसको भी बोला था मैंने कि यार बेटा, मैंने कहा ये ऐसा सुना है मैंने किसी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, बोले दिनचर्या तो जैसे जैसा रहता वैसे ही था, ऐसे ही रिया, वो जरा सा भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें समय पे उसको आना जाना वही का वही रहा उसका, समय पे नहाना धोना खाना खाना वही समय रहा उसका। जब आपने बताया तो क्या उसका, वो उसके आधे घंटे तक रुका वो अपनी तैयारी करके ना, फिर चले गया, वो पूछे था पापा कहाँ पे हुआ, मैंने कहा यार ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, बाकी उज्जैन में हुआ है ये बच्ची। पुलिस ने आरोपी बनाया है तो क्या लगता है आपको? पुलिस ने आरोपी बनाया है, बाकी सब तो बाद में मालूम पड़ेगा कि इसने करा है या नहीं करा है, या कुछ भी अगर करा है इसने। आपको कितना विश्वास आता है? विश्वास तो ऐसा है कि देखो बच्चा तो मेरा है, मैं तो उसकी बड़ाई करूँगा ऐसे में, और ऐसे किसी के ऊपर अपन कह भी नहीं सकते कि दिमाग में आदमी के कब किस टाइम पे क्या कर ले, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ इस बात को, बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता वो, और अगर उसने करा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता, यही बोलता ना, बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते, यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए इसको, और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही सूट कर देने चाहिए, मालूम है ये अपराधी है तो इसको मार रखना ही नहीं चाहिए इसको, हमारा तो यही कहना है भाई साहब, और कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, मैंने तो कोई सिखाया नहीं उसको, मैंने तो कोई पढ़ा है नहीं इसको, ना मेरे को मालूम था कि ये ऐसा करेगा, अब करा है तो भैया सजा तो भरना पड़ेगी, हमने नहीं करा फिर भी हमको सजा मिल रही है, आज तुमने करा या नहीं करा, आज उनको तो मुँह छुपाने तरीके से गए, किसी से बात करने के नहीं, कहीं जाने के नहीं, दूध लेने नहीं गया मैं आज शर्म के मारी, क्यों 10 जनों में मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने आज, घर पे बैठा, कल से रोटी नहीं खाई, आज डेढ़ रोटी खाई मैंने, मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है, हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूँ, बाकी मैं मरूँ क्या, मैं इनको मार दूँ क्या करूँ, बताओ आप। तो पर जो कि उसने गलत किया है उसको तो मिलना चाहिए भाई साहब, कोई भी हुआ, मैं भी वो चाहता हूँ, मैं भी यही बोलता, मेरे को भी सजा दो, मैंने गुनाह करा है, मैं तो कबूल कर देता, हाँ या तो मर जाता, मैं गुनाह करके मर जाता, मैं हाथ में नहीं आता पुलिस के भी।